नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। गर्मी के दिनों में अक्सर लोगों को ये बताया जाता है कि संभल कर खाया करें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं और बहुत सारी अन्य चीज़ों को लेकर भी समझाया जाता है। लेकिन इसका एक कारण ये होता है कि गर्मी के दिनों में पेट के इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। तो आज इन इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को बचाए कैसे रख सकते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्य जी। डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में आप भी कई एपिसोड्स में बता चुके हैं कि खाना पीना जो है वो संभल कर करना चाहिए, तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को गर्मी के दिनों में पेट में इन्फेक्शंस क्यों बढ़ जाते हैं इन चीज़ों के बारे में समझाएं। एक बहुत क्लियर कट नोमेनक्लेचर है जिसको हम लोग समर डायरिया कहते हैं। आजकल हम लोग क्लिनिक में भी देख रहे हैं कि डायरिया वोमिटिंग के केसेस, अस्पताल में भी जाइएगा इमरजेंसी में तो डायरिया वोमिटिंग के केसेस बढ़ गए, यहाँ क्लिनिक में भी बढ़ गए। तो डायरिया वोमिटिंग का गर्मी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स हैं कि एक तो कि गर्मी में आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आप परेशान से रहते हैं और इन्फेक्शन लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हीट वेव चले, लू का पीक हो, खाने में आप बहुत एहतियात बरतें, खाने में सतर्कता बरतें। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन लेंगे, डाइजेशन पुअर होगा और उसमें अगर कहीं कोई इन्फेक्शन चला गया, चाहे वो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, चाहे बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, उसका परिमाण गर्मी में ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए आज इमरजेंसी में, आप अस्पताल की इमरजेंसी में देखी होंगी, इतने डायरिया वोमिटिंग केसेस आ रहे हैं, सबको पानी चढ़ रहा है, सबको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी आप रखें कि पेट का इस्तेमाल ठीक से करें, इसमें डाइजेशन ताकि ठीक से हो सके, इसमें डाइजेस्टिव एबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जितना हल्का खाना, जितना सुपाच्य खाना खा सकें उतना ही ठीक है, और फ्रीक्वेंट मील लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाने के समय ज़्यादा पानी का सेवन न करें, खाने के बाद हो सकता है कि आधे घंटे के बाद पानी का सेवन करें तो ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, आपके डाइजेशन में मदद मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई इन्फेक्शंस हैं जो इन दिनों सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जो कोई सबसे कॉमन सिम्टम्स लेकर लोग आते हैं? कॉमन सिम्टम्स तो जैसे मैंने कहा कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, क्योंकि आजकल देख ही रही हैं कि वो कोविड वायरस तो चला ही गया, मतलब चला नहीं गया, मतलब तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे वायरसेस अभी वातावरण में मौजूद हैं। जरा सी आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता घटी कि वायरस अटैक किया, तो ये वायरस जो है वो आपके स्टोमिक और इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को भी अफेक्ट करता है, जिसको वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसमें आपको क्रैम्प होगा, पेट में ज़बरदस्त दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, या कभी कभी गर्मियों में टाइफाइड वगैरह का भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें बुखार होता है और साथ में पेट में होता है हाई फीवर, पेट में दर्द, लूज मोशन हो सकता है। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, वो भी गर्मियों में ज़्यादा उसका आक्रमण देखा गया है। तो चाहे बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, चाहे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, स्थिति वही है, पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशन का होना, व्यक्ति का परेशान हो जाना, और अगर आपने सही समय पर इलाज नहीं कराया तो हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में जाके आपको बोतल का सहारा लेना पड़े, पानी चढ़ाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई दवाएँ हैं जो कि लोगों को हैंडी रखनी चाहिए कि अगर कोई छोटे मोटे सिम्टम्स दिखे तो दवा से आराम मिले? दवा का सवाल है जहाँ तक सौम्या जी, जब वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसका तो कोई दवाई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक ही चीज़ कर सकती हैं कि आपके अंदर का जो हाइड्रेशन लेवल है, यानी पानी का जो स्तर है, उसको मेंटेन करके रखिए, ताकि वो शरीर में अगर पानी की कमी नहीं होनी पाएगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर के अपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस को ठीक कीजिए। जब बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे सीजेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, उसमें जो पेट का इन्फेक्शन है उसको तो एक चिकित्सक की मदद से, एंटीबायोटिक से ही ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी हैंडी मेडिसिन पर विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे लोग खुद एंटीबायोटिक ले लेते हैं, चाहे कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, उसका सेवन नहीं करें, केवल एहतियात बरतें खाने में। अगर हो जाए, मतलब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो जाए तो एक चिकित्सक के परामर्श से दवाई लें। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।